प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमें आज कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिए सभी को। हमारे कार्यकाल में 400 लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिले हैं। आज उनकी तीसरी इंस्टॉलमेंट थी जो आज हमने दी है, और एक छोटा सा कार्यक्रम था जिसमें वुमेन्स डे का भी हमने काफी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हमने वहाँ उनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया है, और जिनकी प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत से लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया है। जी, हमारी इंस्टॉलमेंट जो हमारी तीसरी इंस्टॉलमेंट बची थी, कुछ लोगों की 80,000 थी, किसी की 1,00,000 थी, वो तीसरी इंस्टॉलमेंट दी गई है। उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया है, और जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं थी उन्हें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिए गए। जी, अगर हम मैं सिर्फ कैथल कैथल की बात करूं तो हमारी कैथल डिस्ट्रिक्ट में 1727 लोगों को मिल चुका है अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का। कैथल शहर की अगर मैं बात करूं तो 1727 के यहाँ आंकड़े दिए हुए हैं जिन लोगों को ये लाभ मिल चुका है। और प्रधानमंत्री जी की ना जाने कितनी योजनाएं हैं जिनका दिन प्रतिदिन लाभार्थी जिनके बढ़ते ही जा रहे हैं। किसी भी महिला को अगर कोई दिक्कत है, उन्हें किसी योजना के बारे में नहीं पता है, तो उनके लिए कमेटी के द्वार हमेशा खुले हैं। विशाल जी को बोल दिया गया है कि इस मीटिंग के बाद भी कुछ महिलाओं को लोन लेना है तो वो इनसे सीधा संपर्क कर सकती हैं, और ये इन्हें पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह वो लोन ले सकती हैं और कौन कौन सी योजना का वो लाभ उठा सकती हैं। लाभार्थियों को बहुत फायदा है, राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि लोगों की खुशी के लिए, लोगों के लिए बहुत फायदा है। ये प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं वो लाभार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा तक चलाई थी। ये मोदी की गारंटी थी कि हर एक लाभार्थी को लाभ मिलना चाहिए, हर योजना का पूरा लाभ मिले। जी, जैसे भी हमारी पार्टी आदेश करेगी वैसे हम तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं, और हमने काम करना कमल का फूल खिलाने का, और हम उसमें जुटे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लाभार्थियों के घर कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको तीनों किश्तें जारी हो चुकी हैं, उनको आज कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किए हुए हैं। अब तक कैथल में डिमांड सर्वे के दौरान 1727 एप्लीकेशन आई थी, जिसके तहत अब 800 लोगों को पहली किश्त जारी कर चुके हैं और 657 घर तीनों किश्तों लेके कंप्लीट हो चुके हैं। क्या कुछ प्रक्रिया रहती है जो लोग नीडी है योजना के, तो किस तरीके से लाभ उठाते हैं? इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को तीन किश्तों में राशि जारी की जाती है। पहली जो किश्त है उसको डीपीसी लेवल पे, और दूसरी किश्त लेंटर डालने के बाद, और तीसरी किश्त घर कंप्लीट करके बार प्रधानमंत्री आवास योजना का चिन्ह लगाने के बाद जारी की जाती है। सर्वे में क्या कुछ मापदंड रहते हैं? सर्वे में डिमांड सर्वे में जो 2017 में हुआ था उसमें इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको लिया गया था, जिनके पास कच्चे घर हैं, घर की छतें कच्ची हैं या कोई रहने का वो नहीं है, उन लोगों को इसमें चयन किया गया। फैमिली आईडी अभी दोबारा से चालू की गई है। पहले इसका जब ये डिमांड सर्वे 2017 में हुआ था तब उसमें डिमांड फैमिली आईडी लागू नहीं थी।